राम राम दोस्तों। दोस्तों अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का कि मंडे के लिए मार्केट में आपको किस सेटअप या किस स्ट्रेटजी को देखना चाहिए, उन चीजों को यहां पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले एक बार मुहूर्त ट्रेडिंग को भी समझना थोड़ा जरूरी हो जाता है। मुहूर्त ट्रेडिंग पे मैंने आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड किया था। मैंने क्या डिस्कशन किया था कि ज्यादातर केस में या तो फ्लैट ओपन होके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है और उसके बाद रिट्रेसमेंट प्लान करता है मार्केट, या फिर साइडवेज हो जाता है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि गैप अप ओपनिंग को सबसे ज्यादातर केस में देखा गया है और फिर मार्केट कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट प्लान करता है या फिर साइडवेज का केस मिलता है। आज हमें यहां पे कौन कौन से केस मिले, अगर बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया और एक रिट्रेसमेंट मार्केट ने प्लान किया। साथ के साथ अगर आप निफ्टी 50 के चार्ट पे देखेंगे, निफ्टी 50 के चार्ट पे मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी और फिर मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट प्लान किया। इसके साथ साथ मैंने आपको एक चीज और एक्सप्लेन की थी कि अगर मार्केट रिट्रेसमेंट प्लान कर रहा है किसी इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन से, अगर प्लान करता है और उस रेजिस्टेंस जोन पे आपको शूटिंग स्टार मिल जाए, पिन बार बियरिश कैंडल मिल जाए, फुल बॉडी बियरिश कैंडल मिल जाए या फिर बियरिश इंगल्फिंग मिल जाए, तो वो आपके लिए एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि यहां पे आपका जो रिस्क रहेगा वो बहुत ही छोटा सा रहेगा। यानी कि आपको बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में एक अच्छा रिवॉर्ड मिलने के चांसेस है। तो यहां पे आप देखेंगे आपको शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन मिला, एक रिजेक्शन कैंडल मिली है और रजिस्टेंस जोन से मिली है। कौन सा रजिस्टेंस जोन था पास में आपके लिए? रजिस्टेंस जोन पास में था प्रीवियस डे हाई। साथ के साथ ये तो निफ्टी 50 का हो गया। अगर आप बैंक निफ्टी पे भी नजर डालेंगे तो बैंक निफ्टी पे भी आपको बहुत ही बेहतरीन कैंडल आपको एक रिजेक्शन कैंडल मिली है, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस और उसके अगेंस्ट में आपको एक बेहतरीन मोमेंटम मिला है। आप कहेंगे यहां पे कौन सा रेजिस्टेंस है? इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कल मैंने आपको फिबोनाची भी लगा के दिखाया था। अगर आप देखेंगे बहुत बेहतरीन रिजेक्शन जोन से मार्केट ने एक रेजिस्टेंस प्लान किया है 0.5 के जोन से, और अगर आप निफ्टी 50 में भी लगाएंगे तो वहां पे भी आपको सेम चीज दिखाई दे जाएगी। इसी तरह का आपको वहां पे भी रिजेक्शन मार्केट में देखने को मिला है। तो ये तो हल्का सा डिस्कशन हो गया हमारा कि देखो प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे या प्रीवियस चार्ट के बेस पे हमने ये डिस्कशन किया था कि जब जब मुहूर्त ट्रेडिंग में मार्केट ओपन होता है तो उसी डाटा को नजर में रखते हुए ये डिस्कशन आपके साथ किए गए थे। उम्मीद है इन डिस्कशन से आपको बेनिफिट मिला होगा। अगर बेनिफिट मिला है वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट करके भी बताना कि किसने एनालिसिस को ध्यान से समझा था। नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल हम कल के सिनेरियो को समझते हैं। कल से आपको समझना है मंडे के सिनेरियो को कि मंडे पे हमारी क्या सेटअप रहनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं इसे रिमूव कर देता हूं। आइए डिस्कशन करते हैं। देखो पहले देखो एक ऑब्जर्वेशन करने से पहले हमें ये चीजें समझनी पड़ेगी कि मार्केट में चल क्या रहा है। भाई हम काफी दिनों से एक चीज एक्सप्लेन कर रहा था, मैं आपको यहां से एक मोमेंटम के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था। आज हम चीजें बदलेंगे क्योंकि अब मार्केट कहीं ना कहीं इस जोन पे सपोर्ट बना चुका है। तो अब अगर मार्केट बाउंस करने की, देखो अगर नेगेटिव मोमेंटम आया तो हमें सपोर्ट जोन का आइडिया है कि सपोर्ट जोन कहाँ है। लेकिन अगर मार्केट यहां पे प्लान ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है तो हमें ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जोन को समझना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। तो इसलिए आज हम जो फिबोनाची लगाएंगे उसकी डायरेक्शन को थोड़ा सा बदलेंगे। लेकिन पहले, उससे भी पहले हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों पे नजर डालेंगे। मैं आपका ध्यान वन डे के टाइम फ्रेम पे भी आएंगे, पहले वन मंथ के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और यहां पे डिटेल में डिस्कशन करते हैं। कितने लोगों को याद है कि यहां पे मैंने आपके साथ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी? कितने लोगों को याद है? पहले भी मैं आपके साथ ये चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं, अब दोबारा से समझानी थोड़ी सी ज्यादा जरूरी हो गई है। चलो शुरुआत करते हैं। पहले मैंने आपको दिखाया था कि यहां पे अगर रेंज की बात करेंगे तो मोटा मोटा मार्केट ने आपको क्या गिरावट दिखाई है। अगर हम कोरोना के टाइम पे देखेंगे तो मोटा मोटा आपको 50%, अगर बैंक निफ्टी की बात करें, मोटी मोटी 50% की आपको एक गिरावट देखने को मिली थी। ठीक है, अभी क्या गिरावट चल रही है? अगर आप देखेंगे हाई से हम लो की बात करें
तो लो मार्केट ने लगाया 8% का, लेकिन फिलहाल जहां पे खड़ा हुआ है मार्केट ने कुछ रिकवरी भी दिखा दी, तो मोटी मोटी आपको 5% से की गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि 5 to 8% का मार्केट ने आपको एक मोमेंटम दिखाया है। अगर हम इन क्रैश पे नजर डालें और इस सिचुएशन को देखें, तो इसके कंपैरेटिवली इसे तो क्रैश नहीं कहा जा सकता। ये चीज मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका था अगर आप प्रीवियस वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में ये चल रहा था ना, क्रैश आ रहा है, क्रैश आ रहा है, क्रैश आ रहा है, नहीं आ रहा था भाई। भाई क्रैश की भी एक सिचुएशन होती है, ऐसे प्रॉफिट बुकिंग हमें पहले भी देखने को मिल चुकी है। यहां पे देखो, हाई लगाया मार्केट ने, फिर आपको एक लो तक मोमेंटम दिखाया कितना, 13% का, और इससे ऊपर आओ आप यहां पे देखो मार्केट ने एक फिर से नया ऑल टाइम हाई लगाया और फिर से आपको एक रिट्रेसमेंट प्लान किया कितना, 9.5% का। फिर से मार्केट में अगर आप देखेंगे, फिर से मार्केट में चलो ये हाई लगा जो ये रिट्रेसमेंट प्लान किया, मोटा मोटा 8% के आसपास का मार्केट आपको यहां पे रिट्रेसमेंट प्लान करता हुआ दिखाई दिया है, ये डिस्कशन चल रहे हैं। अगर हम इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करें, भाई यहां पे भी हमें कुछ 13% का रिट्रेसमेंट देखने को मिला, यहां पे भी हमें 9.5% का रिट्रेसमेंट देखने को मिला, अगर आप देखेंगे यहां पे भी हमें 8.5% के आसपास का रिट्रेसमेंट देखने को मिला, तो ये इसके अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट ही है। साथ के साथ मैंने आपको एक थ्योरी और एक्सप्लेन की थी। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं यहां पे क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि आज इनका यूज होने वाला है एनालिसिस में, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप एक एक बारीकी को डिटेल से समझ सके। हमने एक थ्योरी और डिस्कस की थी, जब मार्केट ने ये मोमेंटम दिया था, यहां पे मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए चल रहा था, जब ये क्रैश की सिचुएशन आई तो मार्केट ने अपने पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन दिया था, यानी कि ट्रेंड चेंज किया था हमारे रूल के अकॉर्डिंग। अगर मार्केट ऐसे हायर हाई हायर लो बनाता हुआ चल रहा है, अगर मार्केट को ट्रेंड चेंज करना है तो वो पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन देगा। ठीक वैसे अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, कौन सा, लोअर हाई और लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए अगर उसे ट्रेंड चेंज करना है तो वो पिछले लोअर हाई का ब्रेकआउट देगा। ये सिंपल सा प्राइज एक्शन है और सिंपल सी थ्योरी है। यहां पे हम देखेंगे, यहां पे ये प्राइज एक्शन अप्लाई हो रहा है, पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन दिया गया है। क्या यहां पे पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन दिया गया है? नहीं दिया गया है। तो यानी कि वो भी थ्योरी हमें रोक के रखी हुई है कि मार्केट में एक बड़ा अगर मोमेंटम देना होगा मार्केट को, या क्रैश की सिचुएशन क्रिएट करनी होगी, तो पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। पहली चीज हमें समझ में आएगी। दूसरी चीज हम अगर देखेंगे, अगर इस ट्रेंड लाइन की मार्केट 3 से 4 साल पहले से रेस्पेक्ट कर रहा है, यहां पे सपोर्ट लिया फिर गया, फिर सपोर्ट लेके फिर बाउंस कर गया, फिर आया फिर सपोर्ट लेके फिर बाउंस कर गया, फिर आया फिर सपोर्ट लेके फिर बाउंस कर गया, फिर आया फिर से सपोर्ट लेके फिर बाउंस कर गया, तो यानी कि अगर नेगेटिव मोमेंटम आएगा तो पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी इसी ट्रेंड लाइन पे हमारी बनेगी। ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने का पर्पज ये था, आपको याद दिलाने का पर्पज ये था, ताकि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि मार्केट में क्रैश चल रहा है या फिर प्रॉफिट बुकिंग चल रही है या फिर मार्केट रिट्रेसमेंट प्लान कर रहा है। एक-एक चीज को अब आप डिटेल से समझ गए होंगे, सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर हो गए होंगे कि प्राइज एक्शन क्या बता रहा है या प्रॉफिट बुकिंग आपको क्या बता रही है। मार्केट में कोई मार्केट से सेलिंग कर रहा है या कोई बाइंग कर रहा है, कोई अपना पैसा निकाल रहा है, कोई डाल रहा है, कोई कुछ भी कर रहा हो, आप प्राइज एक्शन समझो। बहुत ही छोटी सी बात है, किसी भी न्यूज के बेस पे ना तो आपको नेगेटिव साइड पोजीशन बनानी है, नहीं आपको पॉजिटिव साइड पोजीशन बनानी है। अगर वो गलती करोगे, प्राइज एक्शन नहीं समझोगे, तो ट्रैप हो जाओगे और अपनी कैपिटल को खो दोगे। बात समझ में आ गई है तो कमेंट में जरूर लिख देना याद करके कि हाँ समझ में आ गई है, और वीडियो को लाइक बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको कोर्सेज में लोग प्रोवाइड करते हैं और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसलिए एक लाइक तो बनता है, आप लाइक जरूर कर सकते हैं अगर चीजें आपको समझ में आ रही है। तो आइए अब हम आ जाते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। चलो ये तो हम बड़े टाइम फ्रेम पे एक डिस्कशन करके आ गए कि ओवरऑल सिनेरियो मार्केट में क्या चल रहा है। अब हमें एक छोटे टाइम फ्रेम पे चीजों को समझना थोड़ा ज्यादा जरूरी हो जाता है, इसे डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे कि हम क्या देख रहे थे कि मार्केट में एक डाउनफॉल आया, उसके बाद मार्केट में एक रिट्रेसमेंट भी आया, लेकिन यहां पे मार्केट एक रेंज में फंस गया, कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देने की कोशिश की जा रही है। 52,000 के ब्रेकआउट की मार्केट तैयारी कर रहा है और कई बार दे भी चुका है,
लेकिन प्राइज ऊपर रुक नहीं पा रहा है। साथ के साथ हम ये देखेंगे, चलो ये तो सिचुएशन है, अब हमारे मन में ये सवाल उठेगा कि क्या 52,000 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों इसके ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। वो हमें पता कहां से चला, वो हमें पीछे से डिस्कशन में पता चला कि जब हम 52,000 को पीछे लेके गए तो हमने देखा यहाँ पे पहले भी मार्केट रिजेक्शन प्लान कर चुका है, ब्रेकआउट देके सपोर्ट लेके भी बाउंस कर चुका है। हम और पीछे गए, हमने देखा मार्केट ने पहले भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह रोल प्ले किया और काफी बेहतरीन हमें रिजेक्शन भी देखने को मिला। हम उससे थोड़ा और पीछे गए, मार्केट में यहाँ पे हमें सपोर्ट भी दिखाई दिया। हम थोड़ा और पीछे गए, हमें मार्केट में यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दिखाई दिया। यानी कि ये जो इस मंथ में अक्टूबर में मार्केट ने खेल खेला है, इसके पीछे एक कहानी छुपी हुई है, वो हमें चार्ट रीडिंग से समझ में आ गई कि मार्केट जब जब इसके पास से गुजरा है, मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट की है। अब हमें समझ में आ गया कि अक्टूबर में 52,000 के अराउंड खेल क्यों खेला जा रहा है, क्योंकि हम सिंपल सा एक रूल जानते हैं, पहले ये रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, इसने सपोर्ट की तरह किया, रेजिस्टेंस कहाँ था, यहाँ पे, सपोर्ट की तरह एक्ट किया यहाँ पे, फिर से इसका ब्रेकडाउन मिला, फिर से इसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया कहाँ पे, यहाँ पे, फिर से मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर से इसने सपोर्ट की तरह एक्ट करके एक नया ऑल टाइम हाई लगाया कहाँ पे, यहाँ पे, फिर से इसका ब्रेकडाउन दिया गया और ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है कहाँ पे, इस पूरे अक्टूबर में। तो हमें पूरी थ्योरी समझ में आ गई कि ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। यहां से हमें एक कॉन्क्लूजन निकल के आता है, पहली चीज, अगर पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में आता है तो हमारे लिए पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा, 52,000। अगर हम पहले से पोजीशन में बने हुए हैं तो यहां पे जाके हम अपनी पोजीशन को एग्जिट करने की प्लान करेंगे, और अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके मोमेंटम दे रहा है तो अपने स्टॉप लॉस को यहां पे ट्रिल करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज हम यहां पे नोट करेंगे कि अगर मार्केट इसके पास जा रहा है, हम कुछ भी नया प्लान नहीं करेंगे, ना तो कुछ बाइंग के लिए प्लान करेंगे, ना ही कुछ यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। लेकिन सेलिंग साइड एक अपॉर्चुनिटी, अगर हम ये देख रहे हैं कि मार्केट इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है और बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा है, तो इसका मतलब हमारे लिए एक ये रेजिस्टेंस जोन है, और जहां पे भी हमें रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे जाता है, हमारे दिमाग में चार चीजें आ जाती है, शूटिंग स्टार मिल जाए, या फिर आपको पिन बार बियरिश कैंडल मिल जाए, या फिर आपको फुल बॉडी बियरिश कैंडल मिल जाए, या फिर आपको बियरिश इंगल्फिंग मिल जाए। अगर हमें ये चारों चीजें मिल जाएगी तो हम नेगेटिव साइड एक रिस्क प्लान करेंगे, क्योंकि लॉजिक होगा हमारे पास रेजिस्टेंस जोन का, साथ के साथ कैंडलस्टिक पैटर्न के फॉर्मेशन का भी हमारे पास लॉजिक होगा, तो वहां से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस लेके हम अपने नेगेटिव साइड सिचुएशन को प्लान कर सकते हैं। इतनी मोटी मोटी सी हमें बात समझ में आ गई। चलो अब हमें रेजिस्टेंस जोन का तो पता चल गया, हमें ये समझ में आ गया कि मार्केट 52,000 का ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है लेकिन दे नहीं पा रहा है, वहां से रिजेक्शन प्लान कर रहा है, तो कहीं से सपोर्ट लेके बाउंस भी तो कर रहा होगा। सोचो भाई, देखो सब कुछ चार्ट पे ही है। अब हम फिर से आए वापस, हम ये देखिए कि भाई जब मार्केट यहां से रिजेक्शन प्लान कर रहा है तो ये रुक कहां रहा है। हमने ध्यान दिया कि ज्यादातर इस जोन में सपोर्ट बना रहा है, क्या है यहां पे, 51,000 का राउंड लेवल। तो पहली चीज हमने नोट कर ली कि अगर नेगेटिव मोमेंटम आएगा तो 51,000 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। फिर से सवाल उठेगा, क्या इसके ब्रेकडाउन दिए गए हैं। बिल्कुल, मार्केट ने दो बार इसका ब्रेकडाउन दिया है। पहली बार जब ये नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू था तब इसका, इस रेड कैंडल को देखो तब इसका ब्रेकडाउन मिला था, दूसरा इस वाली कैंडल को देखो तब इसका ब्रेकडाउन मिला था। तो इसका मतलब एक सपोर्ट जोन हमारे लिए इन कैंडल के लो पे भी बनेगा। दूसरी चीज भी हमने नोट कर ली, एक और सपोर्ट जोन बन गया कि अगर मार्केट ने कुछ ज्यादा ही नेगेटिव मोमेंटम दे दिया। लेकिन हम एक बात और नोट कर रहे हैं, हम क्या नोट कर रहे हैं कि इस कैंडल में भी बाइंग आई है, इस वाली कैंडल में भी देखो बाइंग आई है। तो यानी कि यहां पे इस जोन पे कहीं ना कहीं बायर्स मौजूद है, और अगर बायर्स मौजूद है तो ये एक सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा और डिमांड जोन यहां पे क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी है। ये बात हमें समझ में आ गई। तो अगर हमें पता है कि अगर सपोर्ट जोन है तो इस सपोर्ट जोन पे हम क्या ढूंढेंगे, हैमर ढूंढेंगे, हम यहाँ पे पिन बार बुलिश कैंडल ढूंढेंगे, हम यहाँ पे फुल बॉडी कैंडल ढूंढेंगे,
हम यहां पे बुलिस इंगल्फिंग ढूंढेंगे। देखो स्टेप बाय स्टेप कोई नहीं समझाएगा, समझ में आ रहा है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि समझ में आ रहा है, लाइक भी करना वीडियो को। साथ के साथ मैं आपको एक जानकारी और दे दूं आगे बढ़ने से पहले, डिस्कशन बहुत बाकी है वीडियो, देखो छुट्टी भी है तो इसलिए डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम, क्योंकि टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपके पास ना मेरे पास, तो पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, दीपावली के लिए 75% का ऑफ किया गया था। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में भी मैं आपको पिन कर दूंगा, आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। 75% ऑफ चल रहा है, ये ऑफर मैं जल्द ही खत्म करने वाला हूं। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो आप जाके सीख सकते हैं। बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजीज में आपको जैसे प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट या प्रीवियस डे हाई ब्रेकडाउन या फिर आपको प्रीवियस डे लो ब्रेकडाउन या फिर प्रीवियस डे लो ब्रेकआउट या फिर ट्रेडिंग डे हाई ब्रेकआउट या फिर ट्रेडिंग डे लो ब्रेकडाउन या फिर ट्रेडिंग डे हाई फेक ब्रेकआउट या ट्रेडिंग डे लो फेक ब्रेकडाउन, गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग या प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट विद फर्स्ट ग्रीन कैंडल या फिर प्रीवियस डे लो ब्रेकडाउन विद फर्स्ट रेड कैंडल, तो इस तरह के आपको बहुत सारे सेटअप्स मिलेंगे स्ट्रेटजीज प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ। बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज में आपको मोमेंटम स्ट्रेटजीज या फिर इंडिकेटर स्ट्रेटजीज या फिर EMA स्ट्रेटजीज या फिर बोलिंजर बैंड का मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको बहुत सारे सेटअप आपको यहाँ पे मिलेंगे। दोनों में अलग अलग सेटअप है और आपको 75% का ऑफ दोनों में मिल रहा है। जल्द ही ऑफर खत्म कर दिया जाएगा, तो उससे पहले जब से ऑफर खत्म हो आप जाके इसका बेनिफिट ले सकते हैं, वापिस आ जाइए। तो हमने मोटी मोटी कुछ चीजें समझ ली, लेकिन अब इससे भी ज्यादा जरूरी चीजें जो हमारे लिए समझने लायक है, हमने हाई पकड़ा और लो पकड़ा, क्योंकि हमारे पास हाई भी है जो कि ऑल टाइम हाई लगा हुआ है, मार्केट ने एक लो का फॉर्मेशन कर दिया है। क्यों कर दिया है, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि मार्केट पहले भी यहां पे सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, फिर वापस आया, फिर से इसी जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, फिर वापस आया, फिर से सेम ही एरिया पे सपोर्ट लेके मार्केट बाउंस कर गया। यानी कि जब तक इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन नहीं मिलता तब तक नेगेटिव साइड कोई बड़ा मेजर करेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि अगर नेगेटिव मोमेंटम आया तो पहला सपोर्ट जोन यही रहेगा, अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तब का डिस्कशन हम बाद में करेंगे, फिलहाल के लिए हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। तो अगर मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके बाउंस करने की कोशिश कर रहा है तो हमें रेजिस्टेंस जोन का पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैं जल्दी से यहां पे कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं, तब तक आप वीडियो लाइक कीजिए। पहला रेजिस्टेंस हमारे लिए ये हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस हमारे लिए ये हो गया, तीसरा रेजिस्टेंस हमारे लिए ये हो गया, और हमें एक सपोर्ट जोन भी चाहिए, पहला सपोर्ट जोन हमारे लिए ये हो गया। ठीक है, इतनी सारी चीजें मैंने यहां पे ड्रॉ कर ली। अब कुछ चीजों पे ध्यान दो, अगर आप फिबोनाची प्लान कर रहे हैं जो ये रिजेक्शन हमने अभी डिस्कस किया ये कहां से बन रहा है, 0.5 के लेवल से बन रहा है। और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि फिबोनाची में 0.5 और 0.618 का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यानी कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन ले रहा है, वो चीज हमें समझ में आ गई। दूसरी चीज, क्या फिलहाल मार्केट नजदीकी रेजिस्टेंस जोन के पास बैठा हुआ है, बिल्कुल, जो कि है 51,846। क्या मार्केट में नजदीकी सपोर्ट जोन है, बिल्कुल, 51,214। ये सारी चीजें हमें नोट डाउन करनी है। आइए अब टाइम फ्रेम चेंज करते हैं और एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो हमने चीजें चेंज कर दी है और अब इसे समझते हैं थोड़ा डिटेल में। यहां पे मार्केट एक रिजेक्शन प्लान कर रहा है फिबोनाची के अकॉर्डिंग 51,846। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए यहां पे एक और रेजिस्टेंस जोन है, कौन सा रेजिस्टेंस जोन? एक तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग हमें दिखाई दे रहा है 51,846, एक और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, ईमानदारी से कमेंट करना भाई। किसी को नहीं पता तो वो कमेंट में लिखेगा नहीं पता है, और अगर किसी को पता है कौन सा रेजिस्टेंस जोन है वो कमेंट में लिखेगा कौन सा रेजिस्टेंस जोन है। ईमानदारी बरतनी है, क्योंकि देखो बेईमानी करोगे आप अपने साथ करोगे। मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, नहीं पता तो उसका ईमानदारी से जवाब दो, तभी तो आप सीख पाओगे।
क्योंकि जितने हमें कमेंट मिलेंगे कि नहीं पता नहीं पता, तो हम उसी हिसाब से और डिटेल में चीजें एक्सप्लेन करेंगे। जितने हमें कमेंट मिलेंगे कि भाई ये चीज, ये रेजिस्टेंस जोन है, तो हम उसके अकॉर्डिंग आगे और थोड़ा सा एडवांस लेके चलेंगे। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं कौन सा रेजिस्टेंस जोन है। प्रीवियस डे हाई आपका एक रेजिस्टेंस जोन है, आपका प्रीवियस डे हाई यहीं पे बनेगा, यानी कि जो मुहूर्त ट्रेडिंग का डे हाई बना है वो आपका यहीं पे बना है। चीजें समझ में आ गई, क्लियर होगी? तो यानी कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, यहाँ पे। कौन कौन से दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है? पहला तो है फिबोनाची के अकॉर्डिंग 51,846, और दूसरा क्या है हमारे लिए, दूसरा है हमारे लिए प्रीवियस डे हाई। एक सवाल और पूछूंगा मैं आपसे, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया तो आपके लिए सेटअप बनेगा प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट वाला सेटअप। नहीं जानती आप इस सेटअप के बारे में, तो ये आपको बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजीज के अंदर मिल जाएगा। अगर मार्केट यहां पे ब्रेकआउट देता है फिबोनाची के अकॉर्डिंग, आपका अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन 52,359 बन रहा है। क्या इस बीच कोई और भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है? पूरे ध्यान से देखो और ईमानदारी से जवाब देना है। अगर पता है तो जवाब दीजिए कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, पूरी ईमानदारी बरतनी है। मैं बता दूं, दे दिया सभी ने जवाब, ये है 52,000 का राउंड लेवल, ये रहा आपके लिए, जो कि हम अभी एक्सप्लेन करके आए थे भाई वन डे के टाइम फ्रेम पे, याद होगा आप सभी के लिए। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इस पे हम खास नजर रखेंगे। हो सकता है मार्केट यहाँ पे आपके साथ साइडवेज साइडवेज खेलने की कोशिश करे। क्या ऐसा हुआ है पहले भी? बिल्कुल, प्रीवियस ही देख लो आप, 30 का ऑब्जर्वेशन करो, इसी जोन के आसपास मार्केट ने आपको फाइट दिखाई, कभी ब्रेकआउट कभी ब्रेकडाउन, कभी ब्रेकआउट कभी ब्रेकडाउन, और आपको एक साइडवेज मोमेंटम दे दिया, काफी लोगों को ट्रैप किया। समझ रहे हो ना मार्केट क्या प्लान कर रहा है? तो आपको उसी के अकॉर्डिंग चीजें प्लान करनी चाहिए। समझ में आ गई? 31 को देखो कितना बेहतरीन रिजेक्शन मार्केट ने प्लान किया, और आपको एक नेगेटिव मोमेंटम, नेगेटिव साइड आपको एक मोमेंटम दे दिया। बहुत बेहतरीन मार्केट में सप्लाई आई। अगर आप सप्लाई और डिमांड जोन के बारे में नहीं जानते, इस पे मैंने डिटेल में आपको वीडियोस एक्सप्लेन की हुई है, आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। अगर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दे दिया, तो इस सिचुएशन पे आपके लिए देखो फिबोनाची के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या बनता है, 51,214। क्या इससे पहले भी कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इस एरिया में? ध्यान दो भाई, चीजों को देखो, जितना खुद से समझोगे उतना ज्यादा निखार आएगा आपकी चार्ट रीडिंग में। भाई मैं बताता रहूंगा, आपको ये लगता रहेगा कि हाँ ये भी है वो भी है, यहाँ पे सपोर्ट है यहाँ पे रेजिस्टेंस है, सारी चीजें आपको दिखाई देती रहेगी। लेकिन जब आप मार्केट में काम करने जाएंगे, भाई देखो टीचर क्लास में सारी चीजें पढ़ाता है, लेकिन जब एग्जाम आता है, आप वो एग्जाम में आपने बहुत बार फेस किया होगा कि ये चीजें पता है लेकिन क्लिक नहीं होती दिमाग में, कि हाँ कुछ कुछ ऐसा पढ़ा तो है लेकिन वो एकदम से क्लिक नहीं होता है। तो वो कब होता है? प्रैक्टिस की कमी के कारण, आपने खुद से कम प्रैक्टिस की है। तो यहां पे कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दे रहा है? प्रीवियस डे लो दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो यानी कि अगर नेगेटिव मोमेंटम आया, तो पहला सपोर्ट प्रीवियस डे लो, इसका ब्रेकडाउन मिला तो आपके लिए सेटअप बन जाएगा प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला, फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा ये वाला 51,214। यहां तक समझ में आ गया? अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, तो हम दो ही जगह सबसे ज्यादा फोकस रखेंगे इस एरिया पे, और यहीं पे हमारे दो रेजिस्टेंस है, प्रीवियस डे हाई और फिबोनाची के अकॉर्डिंग 51,846। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देके यहां पे कोई रिजेक्शन प्लान कर दे, जैसे हमें मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली है, शूटिंग स्टार भी आप कह सकते हैं, वो सिचुएशन देखने को मिली है, तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था, कंपैरेटिवली रिवॉर्ड आपको अच्छा मिला है। तो अगर वो सिचुएशन बनती है, तो हम छोटा सा स्टॉप लॉस लेके नेगेटिव साइड प्लान करेंगे। लेकिन अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है, तो हम कुछ एग्रेसिव प्लान नहीं करेंगे पॉजिटिव साइड, क्योंकि ऊपर 52,000 का राउंड लेवल है, जहां से हमने रिजेक्शन और साइडवेज मोमेंटम दोनों फेस किए हुए हैं। तो
तो हम इस पे मार्केट का बिहेवियर देखेंगे। वहां तक अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो एक अलग केस है स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज वाला, लेकिन कुछ एग्रेसिव प्लान नहीं करेंगे। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है तो उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? अगर गैप डाउन ओपनिंग दे दी तो हम पूरा फोकस प्रीवियस डे लो पे रखेंगे। हालांकि ओवरऑल ट्रेंड भी आपका नेगेटिव बना हुआ है, तो अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है और मार्केट आपको मोमेंटम दिखाता है तो आपको नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज के मतलब थोड़े से चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मार्केट ट्रेंड की डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करता है। तो उस सिचुएशन पे पहला सपोर्ट प्रीवियस डे लो, इसका ब्रेकडाउन मिल गया फिर आपके लिए 51,214, इसका ब्रेकडाउन मिला तो 51,000 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, मेरे सेटअप और स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं तो फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मैं कमेंट पिन में भी कर दूंगा, वहां से भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। राम राम।